हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के चतरा जिले के कोसमाडी गांव में। हम यहां करने आए हैं जन की बात, यहां की जनता से जानने आए हैं उनके मन की बात। विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा, विधानसभा चुनाव को लेकर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पे ये वोटिंग करने वाले हैं। हमारे साथ कोसमाडीह गांव की कुछ महिलाएं और पुरुष हैं। हम आइए इन्हीं से जानते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करने वाला है। ये बताइए कि अभी आपको वोट डालने का मौका मिलेगा तो कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पे वोट डालेंगे? आप बताइए कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पे आप वोट डालेंगे? कोई भी आधार नहीं है, यहाँ पे गांव का लोग जो है शिक्षा पढ़ लिख करके भी बेरोजगार में रहता है, तो किस कारण से हम वोट दें वहाँ पे जब सरकार जो बनेगी वो कुछ सुविधा देती ही नहीं है। तो सरकार तो कहती है कि हम झारखंड का इतना विकास किए हैं कि देश में इतना ज़्यादा विकास किसी स्टेट का नहीं हुआ। नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं है। तो गांव के स्तर से निजी जो गांव के स्तर से देखा जाता है तो उन लोग को छोटा दबा दिया जाता है और ऊंचा ऊंचा लोग कर लेता है पोस्टिंग पे हर जगह पे, क्षेत्र हर क्षेत्र में नौकरी कर नहीं पाते हैं हम लोग थोड़ा कमजोर लोग। आपके गांव में सरकार की कौन सी योजना जो पहुंची है जिससे आपको फायदा हुआ? कोई योजना नहीं आई, कोई भी योजना नहीं आई है जिससे हमको फायदा होता है। ये बताइए कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सा नेता है जिसको आप वोट करेंगे? अभी तो सोचे नहीं है। फिर भी पार्टी कौन सी आपको अच्छी लगती है? भाजपा क्यों अच्छी लगती है? बस ऐसा ही नहीं, कुछ तो वजह होगी ना, ऐसे ही तो नहीं। हाँ, वो रीजन तो बता नहीं सकते हैं। रीजन नहीं बता सकते? नहीं। आप बताइए आपका वोट किसके साथ है? हमको नहीं आते बोलने के लिए, ना बोलेंगे ना हम लोग बोलेंगे। आप बताइए वेन के देहात लोग के का बोलबे, हम इन कुछ बोले हम इनके एबे नहीं करे और कुछ देखबे सुनबे नहीं के लिए ना कहे के लिए लिए हम इन का जाने के लिए कुछ है नहीं। वोट देते हैं कि नहीं? हाँ, वोट तो देते हैं जरूर। किसको दीजिएगा वोट? अब मोदी सरकार के ने पड़े हैं तो ओकरे नहीं देवे। क्यों मोदी सरकार को क्यों देंगे? ए सब कुछ के जैसे अब बिजली दल कहन गैस दल कहनी तो आखिर तो घर देवे के कहनी और फिर देवे के लखन हम इनके तो मजदूरियन कर रही है देखा जा है तो वह से। आप क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं? तो का करिए, तो गरीब लोग मजदूरियन करो ही हम। गैस गैस मिला है आपको? हाँ मिला है, तो इसीलिए वोट देंगे? तो का करिए, तो अब जंगल के तनी सुविधा बूढ़ हो गई है तो जा नहीं पा रही है जंगल उंगल, तो आखिर वेन सुविधा दल कहनी है। उसमें कितने पैसे लगते हैं? अब पैसा तो लगबे करो है भरावे में, तो का करिए मजूरी वजूरी करके भरे भी कर पे रहेंगे। हाँ सुविधा हो गया है? हाँ तो वेन सुविधा है एगो और बाकी कोई सुविधा नहीं मिलके मिला है राना और क्या कुछ मिलवे ना करे। और क्या सुविधा चाहते हैं? सुविधा अब ना चाहिए, देखा मजूरी कर करके नून रोटी खा के अब घर छा लिया तो कह देती कि ना जिसका मकान है उसका कुछ मिलवे ना करते है नी, तब तो वह ना आखिर हम इन करो ही है तो क्या करिए। आप बताइए आपका वोट किसके साथ है? केकरा साथ वोट? जो वोट जिसको मैं देते हैं उसको कहते हैं कि हमको वोट दो हम जिताएंगे ही करवा देंगे, तो यार टूटल घर में है मजूरी करते हैं खाते हैं वह टूटल घर में है वह पानी चूते हैं पानी में रहते हैं, तब किसको वोट दें? वोट दें उसको को लाभ रहे तब ना वोट दें, तो किस में वोट दो? वोट देते हैं कि नहीं आप? देते हैं वोट, जिसमें कहते थे उसमें देते थे, ली देंगे वो देंगे कुछ नहीं देते, तो क्या हम देंगे वोट? किसी में नहीं देंगे वोट। इस बार वोट नहीं देंगे? किसी में नहीं देंगे, जब कुछ लाभ नहीं पानी में तो किस लिए वोट देंगे? पानी नहीं आपके गाँव में? पानी में चू रहे हैं पानी में रह रहे हैं तो किस लिए वोट देंगे? नहीं देंगे वोट देंगे जब कुछ लाभ देंगे तब ना देंगे भैया। किस में आते हैं? हाई देंगे कुआं देंगे पानी देंगे घर देंगे मकान देंगे, तो कहाँ मकान है वह तो टूटल पानी में रहते हैं, तो कहाँ से हम वोट देंगे उसका? अब किसी में वोट नहीं देंगे।
मजदूरी करके खाते हैं रहते हैं और क्या करेंगे। आप बताइए आपका वोट किसके साथ? हमको वोट है भाजपा के देंगे यार का कुछ तो जरूर। बीजेपी को क्यों आप वोट देना चाहते हैं? नहीं चाहते, कुछ कुछ हुआ है उस तरफ से। क्या हुआ है? अभी न रोड है, न चापाकल है गांव में, न कुछ सुविधा है, कुछ तो नहीं। हम लोग के महिला लोग के तार तबाह हैं। फिर भी क्यों देंगे आप वोट? देंगे कुछ कुछ हमको जहाँ भाजता भाजपा के अथी दिल भापता है तहाँ देते हैं वोट। और आपके गांव में आप क्या चाहते हैं, विकास का कौन सा काम चाहते हैं? चाहते हैं रोड, चाहते हैं नाली, चाहते हैं कहीं के पुल। जैसे हम लोग के गाढ़ा नियर है बारी, वहाँ पानी भरल रहता है बरसात में, वो भी नहीं सुविधा है निकलने के लिए। वो सब तो होना चाहिए ना। ने चापाकल है पानी के लिए, ने कॉलोनी है बेस्तर तो का, ये सब तो चाहिए ना। तो देती हो वोट? आप बताइए बाबा जी आपका वोट किसके साथ? हमारा वोट तो मोदी सरकार तरफ है। मोदी सरकार तरफ क्यों है? मोदी सरकार मोदी के नाम से ही मतलब ये वोट दे रहे हैं। मोदी एक अच्छा आदमी है। क्या अच्छा? आप मोदी मोदी लायक है, मतलब जो है सरकार लायक, इसीलिए उनको नाम से वोट दे रहे हैं। बाकी सरकार जो जितने हैं इधर सब लुटेरा, इस गांव में कोई विकास नहीं है। देखिए ठेकेदारी हो चुका है, बरसों हो चुका है ठेकेदारी, और इसी तरह से रोड पड़ा हुआ है, समझे ना। कोई नाली नहीं, कोई ये नहीं, यहाँ पर कोई विकास के काम कोसमाडी में नहीं है। हमारा इंदिरा आवास आया हुआ है, नंबर 2 साल से रखा हुआ है मुखिया जगह, 2 साल से नंबर नहीं आया। पैसा चाहिए 15,000 रुपया मुखिया को, तब मिलेगा। कॉलोनी टूटा हुआ घर में रह रहे हैं, 15,000 रुपया हमारे पास रहेगा तब न मुखिया को देंगे हम। तो सरकार अच्छी होती तो आपको मिल गया होता ना पैसा? सरकार वो हम भी सोच रहे हैं, सरकार अगर अच्छी होती तो पैसा मिल गया होता। तो अभी बदलाव होगा इस बार? चाहते हैं, हम भी चाहते हैं बदलाव। किसको वोट करेंगे? तो वोट तो मतलब जो है किसको करें, अभी निर्णय नहीं लिए हैं, निर्णय नहीं लिए हैं वोट किसको करेंगे। बदलाव चाहते हैं, चाहते हैं यहाँ के मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री का। बाकी मोदी तो सरकार अपना जगह पर ठीक है, मुख्यमंत्री का बदलाव चाहते हैं। हाँ मुख्यमंत्री का बदलाव चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं? अब देखिए इसीलिए तो मतलब जो है अभी निर्णय नहीं मतलब लिए। आप बताइए बाबा जी आपका वोट किसके साथ? हम तो ये नहीं कह सकते हैं किसके साथ है, सर एक वोट का मैं अधिकारी हूँ, जब जिसको मन होगा उसी को देंगे। कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपको अच्छी लगती है, जो लगता है पार्टी यहाँ विकास के काम नहीं किया? ऐसे हम बुढ़ाते रहने कोई विकास का कुसमारी, छोटा बस्ती है ये, यहाँ पर कोई नामे नहीं लेता है, कहीं कोई लिस्ट में नामे नहीं है, न इंदिरा आवास मिलता है, न रोड गली है, न नाली है, कुछ मतलब कुछ नहीं है। हम किसको साथ बड़ा करें, मुखिया विधायक किसको साथ? विधायक जो ऐसा ऐसा आता है कि यहाँ पर बस तुरंत कल से काम होगा, कल से काम होगा, वोट ठग करके फिर यहाँ इस गली में आना नहीं है। वोट ठग लेते हैं, आप कह रहे हैं कि वोट ठग लिया जाता है, लेकिन आपने अभी 10-15 दिन के बाद जब आप वोट डालने जाएंगे तो कुछ तो सोच रहे होंगे ना? हम लोग अभी नहीं लिए हैं, पूरे गाँव वाला निर्णय लेंगे किधर वोट देना है, पूरे गाँव वाला भी निर्णय नहीं लिए हम लोग। तो कौन सी पार्टी है जो आप लोग को अच्छी लगती है? कोई पार्टी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम बुढ़ा गए। अरे यहाँ का चतरा के एक दिन चतरा में हम पूछे कि चतरा आज तक विकास का किया? टाउन तो है, हम लोग तो देहात में रहते हैं, चतरा का विकास किया अभी तक ले? सांसद हो, महान विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, कौन सी विकास किया यहाँ पर चतरा में? सब जैसे के तैसे हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके खा, फिर वो मजदूरी कहाँ करे, वो भी नहीं है, मजदूरी करने का जगह भी नहीं है ना, कुछ नहीं है, भी नहीं है। कोई रोजगार नहीं। आप बताइए आप यूथ हैं, आप बाहर भी घूमते होंगे, ये बताइए कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे होंगे जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? देखिए हम यूथ हैं तो हम थोड़ा ऊपर हटके सोचते हैं। हम अभी जितना इतने लोगों का आपने सुना यहाँ पे, जितने भी बातें हुई सारे नीचे लेवल, गांव लेवल का बातें हुआ, नीचे लेवल का बातें हुआ, हम ऊपर लेवल के सोचते हैं। हम अभी के सरकार से खुश हैं, इस मैटर को लेकर खुश हैं कि हमारा इंटरनेशनल लेवल और यहां का विकास, बीजेपी के सरकार में बहुत सारे विकास भी हो रहे हैं, इससे हम खुश हैं। लेकिन एक तरफ हम नाराज़ भी हैं कि नीचे लेवल पर जब हम कोई काम करवाने के लिए जाते हैं, कहीं ऑफिसर के पास, कहीं ऑफिस में जाते हैं,
तो जो वादा जो कहा गया है ऊपर से सरकार के द्वारा वो वैसा हमें ज़मीन पे दिखाई नहीं देता है। इससे हम नाखुश हैं क्योंकि हम आयुष्मान भारत का जिक्र करें तो हम एक बार हॉस्पिटल में गए थे, कहने के तो 5 लाख का बीमा है, 5 लाख का इलाज फ्री है, लेकिन हम गए तो हमारा 4 दवाई वहाँ पे लिखा गया, 4 दवाई में 2 दवाई हमें तो हॉस्पिटल से मिला और 2 दवाई बाहर से ले लेने के लिए बोला गया। तो हमें जा कर के कहीं ना कहीं ये एक नाकामी नज़र आता है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम वोटर को, हम गरीब गांव के लोगों को कुल मिला के हमें पैसा लगाना ही पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि अभी विकास ज़मीनी लेवल पे बहुत होना बाकी है, अगर ऊपर से विकास आता है, अगर हमारे नेशनल लेवल का लीडर को पता है कि हम विकास भेज रहे हैं यहाँ से, लेकिन उनको ज़मीनी लेवल पे आके उनको सर्च करना होगा कि क्यों जा रहा है कि नहीं गरीब लोगों के पास काम। ये तो जो राज्य सरकार है उसकी नाकामी है ना। हाँ, राज्य सरकार की नाकामी है, यहाँ हमारे यहाँ जो हम गरीब जनता से थोड़ा ऊँच करके जो अधिकारी है उनकी नाकामी है, वो किस तरह करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। गरीब आदमी एक बार जाता है तो एक बार में उसका काम नहीं होता है, उसको एक काम के लिए 5 बार 10 बार घूमना पड़ता है अधिकारी के पास, यहाँ तक कि पैसे भी देना पड़ जाता है, इसके वजह से लोग जनता ज़्यादा परेशान है। ये बताइए कि अभी जब वोट होगा तो क्या आप चाहेंगे कि मतलब रघुवर दास जी की वापसी हो या फिर आप बदलाव चाहते हैं? रघुवर दास जी की वापसी मैं नहीं चाहूँगा कि इनकी वापसी हो, लेकिन हम गरीब यहाँ के गांव के जनता, गांव के वोटर मजबूर है मोदी जी के काम का कार्यकाल को देखते हुए। अभी यहाँ के हम लोकल जनता सोचते हैं अगर हम यहाँ सांसद या विधायक का चुनाव करके नहीं भेजते हैं तो यहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं हो और केंद्र में बीजेपी की सरकार हो तो इससे भी हमारा विकास के कार्य और भी बाधित होगा, इसलिए हम मजबूर होकर इनको ही चुनना पसंद करते हैं, ये सोच करके कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार हो और राज्य में भी बीजेपी का सरकार है तो हमारे पास विकास का काम आने में कोई रुकावट नहीं होगा, ये सोच करके हम लोग वोट करेंगे। आपको लगता है कि 5 सालों में रघुवर दास जी ने राज्य का अच्छा विकास किया? हमको बहुत काम ऐसा लगता है कि उन्होंने किया है, जैसे उज्वला का काम, गैस देने का काम किया, बिजली का काम हुआ और यहाँ केंद्र सरकार की योजना बिजली का काम हुआ और इधर इंदिरा आवास का थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर? अभी तो कुछ नहीं सोच है, और जब सुविधा सरकार ऊपर से तो है लेकिन नीचे स्तर वाला गड़बड़ कर देते हैं, जैसे मुखिया है इनको बोलते थे ध्यान ही नहीं देते हैं, आगे तो अलाव है लेकिन सरकार बदलनी चाहिए या नहीं? सरकार तो ठीक है, केंद्र सरकार हमारा सरकार ठीक है। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो गांव में बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार का समस्या, पानी की समस्या, खेतों में पानी नहीं है, हम खेती मतलब किसान हैं तो खेती कैसे करेंगे, सबसे पहली बात ये है। यहाँ कोई कुआ या कोई तालाब का साधन नहीं है, रोड देखिए रहे हैं हालत क्या है, एक सिर्फ बिजली और एक गैस सरकार के द्वारा जो मिला हुआ है बस वही, और कुछ नहीं मिला यहाँ इस गांव में। आपको लगता है कि बिजली और गैस के नाम पे सरकार ठग कर वोट ले रही है? अब जैसे वोट ले रही है, अब किसी को देना ही मजबूरी है, हमारा तो मजबूरी है, करे या नहीं करे तो वोट देना तो मजबूरी है हमारा, लाचार होकर हम लोग देते हैं, करें क्या। आपकी नज़र में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप वोट करेंगे तो आपके लिए अच्छा काम करेगी? अब करेंगे नहीं, ये सब तो वायदे करता है मुकर जाता है, वायदे तो बड़े बड़े कर जाते हैं लेकिन करते नहीं हैं, आज तक तो यही होता आया, वायदे बहुत बड़े बड़े करके जाते हैं, विधायक हो MP हो, लेकिन आज तक होता नहीं है। एक प्लांट यहाँ खुलने वाला था बगल में, हम सोचे जनता के थोड़ा सा जगह उम्मीद कि हाँ स्टील प्लांट यहीं बगले में खुलने वाला था,
तो इस क्षेत्र का जनता को उम्मीद जगा कि चलो अब रोजगार का जरिया मिलेगा हम लोगों के, लेकिन आज 5 साल हो गया अभी तक उसको आता पता कुछ नहीं हुआ, सही ना। तो सुना है आपने कुसमाडी की जनता की आवाज़, ये लोग एक तरफ सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी मजबूरी जता रहे हैं कि हम वोट करें तो किसे करें, सब तो एक ही जैसे हैं। ऐसे में इनका जो कहना है कि डबल इंजन की सरकार हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, कुसमाडी गांव, चतरा। हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।